Hello friends, I hope you all are doing well. My name is Dr. Milind Shinde and I welcome you all to our video lecture series, Know It in 10 Minutes. So, aaj hum baat karenge about how to manage your time with class and work. So, agar aap PG student hai jo koi coaching kar rahe hai online or offline ya fir aap kahin pe kaam kar rahe hai as a junior resident, so how should you manage your time when you are preparing for the exam? So, I will share a few tips and my ideas and my plan point of view कि इसको कैसे मैनेज करना चाहिए. सो वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, एक जो क्लास कर रहे हैं, ठीक है. तो हमें जैसे पता है कि पीजी एग्जाम इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स लाइक अ मैराथन. तो इसमें जब हम क्लास करते हैं तो क्लासेस जो यूजली पहले होते थे वो ऑफलाइन होते थे, बट बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक नाउ क्लासेस हैव टर्न ऑनलाइन. सो दे हैव उन्होंने अपनी एप्स बनाई है, दे हैव टर्न देमसेल्फ इनटू सम एप्लीकेशंस. So in applications में they are now releasing videos जो आपको which have replaced the offline and live classes. Now what is the problem with those online classes? That it's not possible for you to watch them for prolonged hours. आप उसको ज़्यादा time तक नहीं देख सकते. इसकी वजह से problem जो हो रहा है, तो मेरा जो advice रहेगा उन लोगों के लिए जो online classes follow कर रहे हैं, कि आप इसको आपको डिवाइड करना है एक डे में. सपोज योर डे स्टार्ट्स एट 7 है, तो आप मॉर्निंग में ट्राई टू रीड, डोंट स्टार्ट योर वीडियोस वाचिंग वीडियोस अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज इफ यू स्टार्ट देम इनिशियल ड्यूरिंग द इनिशियल पार्ट ऑफ डे विल गेट टायर्ड. आफ्टर वाचिंग वीडियोस बाय आफ्टरनून यू विल फील लाइक स्लीपिंग, यू वोंट फील दैट एनर्जाइज. सो रीड योर थियोरी बुक्स इन द मॉर्निंग सेशन. तो आप मॉर्निंग सेशन में आपका थियरी बुक पढ़ लीजिए, ठीक है. फिर उसके बाद अराउंड 2 PM एंड स्पेंड 4 to 5 hours डेली इन वॉचिंग द वीडियो, 4 to 5 hours डेली इन वॉचिंग वीडियोज. तो आप इसको दो सेशन में डिवाइड कर लिए, 2 PM to 5 PM आप इसके टाइम यू वॉच योर क्लास वीडियो. ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन टेक योर नोट्स ऑल्सो, ठीक है. उस टाइम आप नोट्स भी बना सकते हैं वीडियोज, एंड यू कैन एड दोज पॉइंट्स टू योर एग्जिस्टिंग नोट्स. Then take a nap till 6 p.m. Then 6 to 7, you again read some theory. Okay. Then 7 to 9, you watch your remaining 2 hours of video. And after 9, have your dinner. And then after dinner, solve some MCQs. In my all videos, I always emphasize about MCQs. Do not forget solving MCQs. MCQ is like a practice. If you don't practice, you won't be able to perform well. So if you are doing online classes, इफ यू आर डूइंग लाइक ऑनलाइन क्लासेस, अगर ऐप आपने लिया है कोई भी मैरो ट्रिपलैडर हो या डैम्स हो, किसी भी एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन फॉलो करें, दिस इज वॉट यू शुड फॉलो. क्योंकि अगर आप जैसे कि मैंने आपको बोला, आप दिन भर तो वीडियो नहीं देख सकते, एंड वेन एवर यू आर वॉचिंग जस्ट स्टे फोकस्ड, ट्राई टू एक्यूमुलेट एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन फ्रॉम द वीडियोज, तो इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा. Now we have a second group जो offline classes करना चाह रहे हैं, क्योंकि lot of classes have resumed their offline classes. Now offline classes are very lengthy. Sometimes they start at 9 AM and they can last till 9 PM. तो 12-12 घंटे की classes होती है. Sometimes all 7 days, 5 days or 2 to 3 days a week we have these classes. Now similarly, अगर आपका वीकेंड पे क्लासेस है तो रिमेनिंग डेज में आप आपका लिबर्टी से टाइम टेबल बना सकते हैं. लेकिन अगर आपको मोस्ट ऑफ द डेज करना है, तो अगेन आई विल से स्टार्ट योर डे अर्ली, गेट अप एट 6 AM, रीड टिल 8 AM, लाइक 2 hours आपको मिल जाते हैं. हैव योर ब्रेकफास्ट, गेट रेडी एंड स्टार्ट योर क्लास एट 9 AM. देन व्हेन यू आर सिटिंग इन अ क्लास, ट्राई टू बी वेरी अटेंटिव. आप वहाँ पे कोशिश करो कि आप टीचर जो बता रहे हो आपको, आप समझ रहे हो उस बात को. ट्राई टू यूज दैट टाइम व्हेन यू आर इन द क्लास, कि आपको फिर घर जाके फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े. एटलीस्ट 15-20% इन्फॉर्मेशन आपकी आपके दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि इतना सब डेटा आ जाता है 12 घंटे में, 10 से 12 घंटे क्लासेस करना इट्स नॉट इजी टास्क. बट ट्राई करो कि आप 15-20% इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है. तो इससे आपको आगे जाके बेनिफिट होगा और टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलेगी. ऑफलाइन क्लासेस का फायदा जो होता है उसमें यह है कि जो टीचर आपको उनकी स्टोरी शेयर करते हैं, आपको निमोनिक्स बताते हैं, ये सब चीज़ें आपको मेमोरी बूस्ट करने में हेल्प करती है, एंड यू रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम.
आपको लग रहा होगा कि क्लास एस से बस 50 or 20% मटेरियल ही क्यों याद रखे, ज़्यादा क्यों नहीं रख सकते। जो ये 50 or 20% आप याद रखोगे ना, ये आपको एग्जाम तक याद रहेगा, इसको आपको फिर से जरूरत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इफ यू आर डूइंग एनी क्लासेस स्टार्ट यूर डे अर्ली। सो दिस इज माई एडवाइस फॉर दोज हु आर डूइंग द क्लासेस एंड वॉन्ट टू मैनेज दैट टाइम। सो वंस यू आर डन विथ यूर क्लास, सपोज योर क्लास फिनिश एट 7 PM, अनदर क्वेश्चन कम्स, डू आई रीड द सेम थिंग्स अगेन, जैसे क्लास में जो पढ़ाया क्या उसी को रिवाइज करना चाहिए? नो। इमेजिन यू आर नाउ यू आर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, आज आपने जैसे फिजियोलॉजी का आपने रीजनल सिस्टम पढ़ा, तो अगर आप वही आके रिवाइज कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू राइट यूर एग्जाम इन नेक्स्ट अप्रैल और जून। तो अभी रिवाइज करके क्या करना है हमें? कुछ नहीं ना, हमें तो अभी आंसर तो नहीं निकले जाना है। अभी तो आपका यह है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो वो आप क्लास में ही करना है, ठीक है? अभी आपको चीज को पढ़ना है अच्छे से, तो जो भी क्लास में पढ़ा है ना उसको रिवाइज अभी नहीं करना है आपको तुरंत क्लास के बाद। रीड समथिंग एल्स, एंड एज आई ऑलवेज से, व्हेन यू रीड समथिंग एल्स यू ऑल्सो डोंट गेट बोर्ड, योर ब्रेन इज कनेक्टेड एंड इट इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो आपको क्लास के बाद वही चीज पढ़ना मैं तो एडवाइस नहीं करता। सो आफ्टर क्लास यू शुड डू दिस, यू शुड आइदर, इफ यू आर टू मच टायर्ड यू कैन प्रैक्टिस एमसीक्यूज, एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, इससे भी आपका आपको बेनिफिट ही होगा। नाउ वी हैव सेकेंड ग्रुप, जो हमारा सेकेंड सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप में हमारे आते हैं जो हु आर वर्किंग, हु आर डूइंग अ जॉब। तो उनके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें व्हाट आई हैव एडवाइस्ड, सपोज यू आर डूइंग ड्यूटी 9 to 4 PM और 9 to 2 PM, नाउ द चेंजिंग स्पेक्ट्रम ऑफ एग्जाम्स लाइक INICET और NEET PG, इन दोनों में भी अभी आजकल बहुत ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं या फिर स्पेसिमेन पूछे जाते हैं, और इसमें इसके अलावा क्लिनिकल सिनारियोज भी दिए जाते हैं। तो इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी डिपार्टमेंट, ट्राई टू टेक पार्ट इन टू एक्टिव डिस्कशंस, क्योंकि क्वेश्चन आजकल यही से बनते हैं। ट्राई टू सी द इंस्ट्रूमेंट, जब आप आगे से ही खाली बैठे हो तो कैनुला देख लो, कैनुला कौन से कलर का कौन सा गैस गॉज होता है। ट्राई टू सी एनी प्रोसीजर, कोई स्पेसिमन आप देख सकते हैं। क्लिनिकली टेक पार्ट इन टू डायग्नोस्टिक प्रोसेस, तो यूज योर वर्क आवर प्रोडक्टिवली टू इंक्रीज योर नॉलेज। हमारे मेडिसिन फील्ड में यही होगा ना, ऐसा नहीं कि आप अगर बस बुक्स ही पढ़ रहे हो तभी आपको नॉलेज मिलेगा, नहीं, पेशेंट्स आर ऑल्सो टीचर्स, पेशेंट आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे। सो use it for your advantage. Again, if you are working, start your day early, around 6 AM, ठीक है? आप 2 घंटे 8 AM तक जो भी आपने आपके नोट्स है या फिर थियरी उसको पढ़ लो। सी, अगर आपको दोनों भी चीज़ मैनेज करनी है ना, आपको थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बिकॉज यू माइट थिंक कि नहीं ये बहुत ही हेक्टिक है, बट हफ्ते में एटलीस्ट 5 days तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। देन वेन यू आर सिटिंग इन OPD, ट्राई टू टेक द MCQ बुक विथ यू। सी वॉट हैपन्स, वॉट इज बेनिफिट ऑफ MCQ रादर देन टेकिंग नोट्स, अगर आप कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको उस चैप्टर में पूरा कंसंट्रेशन चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। अगर आप बीच में ही बार बार अगर पेशेंट आ रहा है, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपका लिंक टूट जाता है एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स, दैट विल बी रियली वेस्ट। वॉट इज बेनिफिट ऑफ MCQ? सो MCQ में होता है कि हियर इज द क्वेश्चन एंड देर आर 4 options, ABC and D। सो अगर आपका एक पेशेंट आपने देख लिया है OPD में, नाउ यू आर रेस्टिंग, सो यू रीड दिस क्वेश्चन and you use your information. Okay, मुझे लग रहा है आंसर भी है, now you check this in answer की, उसमें आपको मिलता है ठीक है आंसर तो सी है, then you read the explanation and then उसके बाद next patient आ जाता है। So it doesn't matter, क्योंकि आपका ये जो concentration span चाहिए था उसका use हो गया है, now you don't need to read whole chapter. Solving MCQ is a very effective use of time when you're sitting in OPD. Then once you get free at 4 PM or 2 PM, take a nap for 1 to 2 hours, get fresh, get up, and then again start reading. Read your theory for 2 to 3 hours, and then MCQ. जब भी आप अगर कहीं पे भी काम कर रहे हो या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, always try to change what you are reading. And by change, I mean if you are reading notes, switch to MCQ if you get bored. Then switch to some image-based questions. Then come back to notes. So by doing all these things, by shifting from one point to another, you can get benefited and you won't get bored. तो आप अगर काम कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप यूज कर सकते हैं टू यूज द टाइम इफेक्टिवली। स्टार्ट योर डे अर्ली, डोंट वेस्ट टाइम, यूज योर मोबाइल टू रिविजन,
have some images or tables in your phone, which can help you realize. So guys, again, don't waste time. Study as much as you can. Study wherever you can. It will never be a waste. So I wish you guys all the best and take care.